हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं एक्सप्लोर करके आ गई हूँ लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट। मार्केट में चल रही है बहुत ज़बरदस्त वाली उथल पुथल, सारी चीज़ें आगे आपको मैं वीडियो में बताऊँगी। और आज के ब्लॉग में ना मैंने हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ कवर किया है, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे शॉपकीपर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किए हैं, अगर कुछ अच्छा दिखा रही हूँ तो साथ साथ में उसकी लोकेशन भी गाइड की है कि कैसे आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। सो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहुँचने के लिए लाजपत नगर का ही मेट्रो स्टेशन सबसे नियर बाय है और 2 बजे के बाद में इस मार्केट में थोड़ी और ज़्यादा रौनक बढ़ जाती है। सुबह मार्केट ओपन हो जाती है बट थोड़ा सा पट्टी बाज़ार और ये सब जो शॉप्स है ना, ये 2 बजे के बाद ही आपको देखने को मिलती है। खाने पीने की यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं है, घर से लंच बॉक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे शॉपकीपर्स यहाँ पर ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए बिना किसी देर के आज का ब्लॉग देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो लाजपत नगर मार्केट आने के लिए मैं यूज़ करती हूँ पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन का। यहाँ पर मैंने गेट नंबर 5 से एग्जिट किया है। सामने का मौसम आप देख सकते हो, एकदम क्लियर स्काई है और जब मौसम सुहाना होना तो शॉपिंग करने में मज़ा डबल हो जाता है। तो मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करते ही जस्ट आपको सड़क क्रॉस करनी है और वॉक करना शुरू कर देना है। आप मानोगे नहीं, जब से 2024 स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं अभी पहली बार लाजपत नगर गई थी और देखते ही आई वॉज शॉक्ड कि मैं कौन से वीराने में आ गई हूँ। इतना उजाड़ लाजपत नगर तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये पूरा एरिया पर्स वाले भैया का था, फिर यहाँ पे सॉफ्ट टॉय वाले भैया, जीन्स वाले भैया, रग्स मैट्स वाले भैया पूरा फुल फ्लैश लगाते थे, बट इस बार कोई भी नहीं था। बट यहाँ मुझे गुंजन पर्स वाले भैया का नंबर देते हुए बहुत खुशी हो रही है। इन्होंने थोड़ी सी पटरी अपनी लगाई हुई है। इनका नंबर ना मैंने बहुत पहले से ही लिया हुआ है, तो आप चाहें इन्हें कॉन्टेक्ट करके मार्केट पहुँच सकते हैं या इनसे ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। वही पुराने रेट और वही अच्छा वाला प्यारा वाला कलेक्शन इनके पास में है। ऑफिस बैग्स वगैरह भी ये रखते हैं। देखो, इनके पास कलेक्शन है, अब वो कहाँ से निकाल के आपको देंगे वो वही जानते हैं, बट इन्होंने थोड़ा सा एरिया अपना कवर अभी भी किया हुआ है। आप जैसा बोलोगे वैसा बैग वो आपको निकाल कर दे देंगे, ठीक है। और पीछे यहाँ पे इन्होंने ना साइकिल पर टोट बैग भी लगा रखे थे डिस्प्ले में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हैं गुंजन पर्स वाले भैया, इनकी शॉप आपको पता है, जो लाजपत नगर आता है सबको पता है, सबसे पहले इन्हीं की शॉप पड़ती है और इतना प्यारा कलेक्शन भैया का होता था। और हाँ, ये MCD वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये भाई सितंबर तक खींचेगा और अभी ये पिछले 1-2 महीने से मैंने सुना है ऑलरेडी चला आ रहा है, तो सितंबर तक ये ऐसा ही चलेगा। स्ट्रीट मार्केट जो है लाजपत नगर का वो इफेक्टेड रहेगा और होपफुली सितंबर के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। सो ये ऑफिस बैग है, 900 रुपीज़ के रेंज में आपको मिल जाएगा। कुछ भी आर्टिकल आपको समझ आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भैया का जो नंबर मैंने दिखाया उसमें सेंड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ी तो मुझे शॉर्ट कुर्ती कॉटन की देखने को मिली। लार्ज साइज़ लिखा हुआ है, प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, स्टिचिंग भी बिल्कुल ठीक है इस प्राइस के रेंज के अकॉर्डिंग, और इसमें कलर्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। एंड इनके साथ में वेयर करने के लिए स्कार्फ्स और स्टॉल्स भी इस मार्केट में मिल रहे थे। पर आप लोग दिल छोटा मत करना, आगे मैं बहुत सारी शॉपिंग आपको इस मार्केट में करवाऊंगी। जो MCD वाले आते हैं ना, तो फिर उस टाइम पर पटरी हट जाता है, वो चले जाते हैं तो हल्का हल्का पटरी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये देखो भाई साहब नज़ारे, ये पूरा एरिया ज्वेलरी से और पता नहीं किस किस चीज़ से भरा रहता था, सबका सब खाली। मैं एक बार को सोच में पड़ गई कि भैया मैं कौन से दिन आ गई हूँ, क्या हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये जो मैंने आपको स्टॉल्स और स्कार्फ्स दिखाए, ये भी 200 के हुआ करते थे। आई डोंट नो इतना प्राइस कैसे कम हो गया, 100 रुपीज़ में यहाँ पे मिल रहे हैं। जो ये मोमोज़ की शॉप है इसके बिल्कुल आगे आपको मिल जाएगी। और ये मोमोज़ की शॉप ना मैं सिर्फ आपको लोकेशन के लिए दिखाती हूँ। सो डोलमांटी सेंटर से थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे, हेमल्स नाम से शॉप दिख जाएगी। हेमल्स के जस्ट अपोजिट में है बॉबी टेक्सटाइल, तो हेमल्स वाला भी मैं जस्ट आपको लोकेशन के लिए बता रही हूँ। बॉबी टेक्सटाइल भी यहाँ के काफ़ी फेमस शॉप है, जो आता है सबसे पहले यहीं पर मत्था टेकता है एथनिक वेयर के लिए। सो इनके पास में इंडियन वेयर, इंडो वेस्टर्न, हर तरीके का कलेक्शन मिल जाता है। स्टार्टिंग रहेगी अपनी 1650 रुपये से। और इनकी ना एक ऑफिशियल वेबसाइट भी, आप चाहें तो वहाँ पर विजिट करके हर एक ड्रेस का प्राइस देख सकते हो, आफ्टर डिस्काउंट कितने का है, और आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर ऑनलाइन शॉपिंग। तो यहाँ पे आपको काफ्तान्स मिल जाएंगे, वन पीस ड्रेसेस मिल जाएंगी, डिज़ाइनर कोट सेट्स मिल जाएंगे, इस तरीके के प्योर चिनॉन का फैब्रिक है। डिटेलिंग आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त है। ये फ़िलहाल L और XL साइज़ में अवेलेबल था। सो इसके प्राइजेस वगैरह हर चीज़ आपको डीप मिल जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनका शॉप का कार्ड भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। वैसे ही तो यहाँ पर मैंने कोई चेंजिंग रूम नहीं देखा है, बट आप चाहो तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा
अंदाज़ा लेके यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये भैया हमेशा इस शॉप पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इनकी शॉप का कार्ड आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, और इनके जस्ट बगल में जो दूसरी शॉप है वहाँ पर भी आपको एथनिक वेयर बहुत अच्छा मिल जाएगा, इंडियन एथनिक वेयर। ये है लुधियाना टेक्सटाइल के नाम से, दोनों शॉप्स अगल बगल हैं और यहाँ से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग जो है कर सकते हैं। इनका डिस्प्ले भी बहुत खूबसूरत है, प्योर के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी। प्योर चिनॉन हो गया, मसलिन हो गया, उपाड़ा और गेंजा, सब कुछ। शॉप का कार्ड एक बार आप फिर देख लीजिए। यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो 1500 रुपीज़ से हो जाती है। एंड भैया मुझे थम्स अप दिखा रहे हैं पीछे कोने में खड़े हुए चुपके से। बगल में ना वो कुर्ती वाले भी है ना जो सेल लगाते हैं पटरी पर, उनका ये पीस टंगा हुआ था 1000 रुपीज़ का जहाँ तक मुझे पता है। और ये है लुधियाना वालों का पीस, प्योर चिनॉन का फैब्रिक है, कलर बहुत खूबसूरत है। और यार जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा सूट फैब्रिक भी आप कहीं लेने जाओगे तो वो 2500-2000 से कम का तो क्या ही होगा। तो उस हिसाब से स्टिचिंग भी हो रखी है और लाइनिंग भी प्रॉपर लगी हुई है, रेडीमेड के हिसाब से प्राइस तो बहुत ही सही है, बहुत सही है। इवन आपको इसमें कलर्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। सो ये कलेक्शन भैया के शॉप पर आपको हफ्ते के 7ों दिन मिलेगा, मंडे को भी ओपन रखते हैं। और अंदर जब आप इनकी शॉप में जाएंगे ना तो आपको क्रॉप टॉप, इंडो वेस्टर्न, जम सूट्स, 1 मिनट साड़ी, कोट सेट, सब कुछ मिल जाएगा, गरारा शरारा एवरीथिंग। तो आप इनसे कांटेक्ट करके भी परचेज कर सकते हो, इंडिया से बाहर कहीं भी। आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं हल्दी मेहंदी की ड्रेसेस के लिए, सो इनसे कॉन्टैक्ट करो भाई, बहुत अच्छी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये कोट सेट मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी प्यारा इसमें हैंडवर्क है हैवी। दूसरा जो पीस है ये गरारे शरारे वाला है, तो इसका जो ये अपर है ना इसमें काफ़ी अच्छा पर्ल्स का और जरकन का मिरर का वर्क हो रखा है, देख ही सकते हो आप कितना प्यारा टिमटिम कर रहा है। सो ये भैया का थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट दे दिया है। अब चलते हैं अपने कैजुअल वेयर में, तो यही हेमल्स के सामने जैसे भैया नॉर्मल पटरी पर शॉप लगाते हैं, सो 250 रुपीज़ में यहाँ पर प्योर कॉटन की शॉर्ट कुर्तीज़ मिल रही है, और इसमें भी बड़े साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे, प्रिंट्स अच्छे हैं। वीडियो में आगे भी मैं आपको ना जो फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए कुछ आइटम दिखाऊंगी ज़रूर। यहाँ पर जो कोट सेट्स हैं वो 850 रुपीज़ के मिल रहे थे, मोडाल सिल्क फैब्रिक है, हालांकि इसमें कोई ऐसा वर्क नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। आजकल पैचेस वाले वर्क बहुत चल रहे हैं कोट सेट्स में, थोड़े फैंसी वाले। यहाँ पर दूसरा जो मैं आपको सेक्शन दिखा रही हूँ ये भी 600 रुपीज़ के कोट सेट्स का है, और भैया के ही पास आपको ज़ारा के ड्यूप्स मिल जाएंगे वन पीसेस, जो कि मानसून में पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। प्यारे से आप फुटवेयर वेयर कीजिए, वन पीस ड्रेसेस पहनी एंड यू आर गुड टू गो। सो ये ज़ारा ड्यूब्स यहाँ पर इन्होंने मुझे रेंज बताई थी 600 की, स्पेशली जो ये ऑरेंज पिंक वाली लाइन है ना इनकी। और MCD वाले चले गए थे तो भैया ने मार्केट अपनी जो है शॉप लगानी शुरू कर दी थी। अब मैं आपको जरीश कलेक्शन वालों का कार्ड शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा प्राइम मोटो इन्हीं की शॉप पर जाना होता है लाजपत नगर में। बहुत लंबे टाइम बाद गई थी और देख के आई वाज शॉक्ड अगेन, एक और दिल का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा। नीचे जो भैया की शॉप है भैया ने उस पर लड़का रख लिया है, वहाँ भीड़ लगी हुई है। बाहर जो भैया पटरी पर थोड़ा सा कलेक्शन लगाते हैं भाई, वहाँ पर भी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। तो रेंज मैंने कोट कर दिया, इसी रेंज में आपको ये सारे के सारे रेडी टू वेयर मिलेंगे। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, इनके पास बुटीक स्टाइल सूट रहते हैं विदाउट दुपट्टा हैंडवर्क के साथ में, इसीलिए इतनी भीड़ है। भैया की दुकान से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे लाइक्रा कॉटन पैंट्स मिल रही थी भाई, 350 से लेकर के ना 500 रुपये की रेंज में इनके पास में जितना भी लोअर आप देख रहे हो, चाहे वो चिकनकारी का है या ऐसा अफगानी स्टाइल है, लाइक्रा पैंट्स हैं, इसी रेंज में आपको मिलेगा। अब खाली पैंट्स तो आप पहनोगे नहीं, इनके साथ में आपको कुर्तीज़ भी लेनी होंगी। तो पूरा पीछे जो आप ये सेक्शन देख रहे हो चिकनकारी कुर्तीज़ का ही है। और जैसे मैं कुछ पूछ रही थी, भैया की शक्ल ही बता रही थी कि वो कुछ बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर अपना तो काम बनता है ना यार पूछना। तो यहाँ चिकनकारी कुर्तीज़ की स्टार्टिंग 350 रुपये से हो जाती है, और फ्रंट पे इन्होंने बहुत खूबसूरत ओम्ब्रे शेड की कुर्तियाँ लगाई हुई हैं। रेंज मैंने कोट कर दी है, साइजेस यहाँ पर आपको 3XL 5XL मिल जाते हैं। और अगर आपको इससे सस्ते बजट में घर बैठे चिकनकारी कुर्तीज़ या सेट्स लेने हैं ना, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो लिबास के बिल्कुल सीधे सीधे आप आते जाओगे, उसी में आपको जरीश कलेक्शन वाली भैया की शॉप मिलेगी बेसमेंट में, और ये चिकनकारी वाली शॉप मिलेगी इसी लेन में। आगे मैं बढ़ गई हूँ शॉप नंबर 86, जो कि मेरी सबसे फेवरेट शॉप है, जरीश कलेक्शन शॉप नंबर 86। ये सब लगता ही नहीं है कि लाजपत नगर का पार्ट है भाई, इतने रीज़नेबल और इतने बढ़िया क्वालिटी आइटम ये लोग रखते हैं। तो यहाँ पे A to Z जितनी आपकी नज़र जा रही है इयरिंग्स
रेट्स पे, एवरीथिंग इज़ फॉर रुपीज़ 100 100 100। और यहाँ पे ना कुछ ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप भैया को बोलोगे और भैया दिखाएंगे, भाई सब कुछ डिस्प्ले में है। आप अगर ऑफिस जाते हो या आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज जाते हो, आपको पार्टी फंक्शंस के लिए इयररिंग्स चाहिए, हर एज ग्रुप की लेडी के मतलब का इयररिंग कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा, और वो भी सुपर क्वालिटी का। कोरियन कलेक्शन भी भैया के पास में ज़बरदस्त वाली है। और अगर आपको एडी की ज्वेलरी लेनी है, एडी के इयररिंग्स लेने हैं, एडी के नॉर्मल से लाइट वेट के पेंडेंट सेट्स लेने हैं ऑफिस में वेयर करने के लिए, वो सब कुछ इनके पास में है। इनका मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू। तो कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट मुझे कहीं की भी दिखेगी ना, मैं उसे शॉर्ट वीडियो के थ्रू डाल दूँगी, ताकि आप लोगों तक टाइमली मैं पहुंचा सकूं। हर चीज़ वीडियो में कवर नहीं हो पाती है। और ये सब डिज़ाइनर रिंग्स जो हैं 50-50 रुपीस की रेंज में, यार आई वाज शॉक्ड रियली। आपको लग रहा है ये लाजपत नगर का पार्ट है? भैया को ना कुछ ही दिनों में अपनी और 2-3 ब्रांचेस खोल लेनी चाहिए अलग अलग मार्केट्स में। इतनी अच्छी शॉप तो सरोजनी में भी नहीं है ज्वेलरी की कोई, जितनी भैया ने यहाँ खोल डाली है। देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त रिंग्स हैं। कॉकटेल साइज तक की रिंग्स भी इनके पास में सिर्फ 200 रुपीस की है, और स्टोन आपकी मर्जी का होगा। इसके बाद जो मैं दूसरा आपको ट्रे दिखा रही हूँ, ये सारा 100 रुपीज़ का सेल है, और इसमें भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस मुझे देखने को मिले। इसके बाद इन्होंने एक पूरा एडी वाला सेक्शन अलग बना रखा है। तो ये जो मेरे हाथ में है ये 100 रुपीज़ का है पेंडेंट सेट, ठीक है। इसमें थोड़े से छोटे पेंडेंट्स हैं और एयरिंग भी साथ में रहेगा। दूसरा वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 200 रुपीज़ का है, तो इसमें भी ऐसे ही शायद पेंडेंट या ब्रेसलेट्स हैं। ये सारे ब्रेसलेट 200 के, पेंडेंट सेट जो है 100 का है। और इसके बाद अब ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रेसलेट्स, ये भी सारे 100 रुपीज़ के हैं। अपना ट्राई करते करते थक जाओगे कौन सा लें कौन सा छोड़ें। इस शॉप पर आना तो मस्ट है, कभी भी आओ। हफ्ते के सातों दिन भैया की शॉप ओपन रहती है, मंडे को भी आप यहाँ पे आ सकते हो। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट करके बताना आप लोग कि मंडे को स्ट्रीट मार्केट जैसा कि लगा करता था, तो क्या वो भी MCT नहीं लगने देती है लाजपत नगर मंडे मार्केट में? क्या स्ट्रीट शॉप्स लगती हैं? जाने का कोई फ़ायदा होगा? कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रूर। इसके बाद जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी में आता है, स्टोन्स इसमें लगे हुए हैं, बहुत सुंदर नेक पीस है। ऐसे चोकर्स आप ले सकते हो, इतना लाइट वेट और इतना खूबसूरत है ये, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ का। तो ये स्ट्रेचेबल बैंड है, इसमें बहुत अलग अलग आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे। मतलब लाजपत नगर में भी कुछ 30 रुपीज़ का मिल सकता है, मुझे लगा यहाँ पे सिर्फ पानी की बॉटल ही मिल सकती है इतने में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फैंसी बेल्ट्स मिल जाएंगे, और ये भी है एक ही प्राइस रेट में, चाहे आप कोई भी पिक कर लो, कोई भी सारी की सारी है सिर्फ 200 रुपीज़ में। और इसके बाद यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ ऑक्सीडाइज्ड वाले एयरिंग, बहुत ज़्यादा हैवी वाले एयरिंग भी इनके पास में मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल दिखा रही हूँ, ये सब 100 रुपीज़ में है। पॉलीथीन के ऊपर से ना आपको स्टोन कलर नहीं दिख रहा होगा, कहीं कहीं में पेस्टल स्टोन कलर्स होते हैं ना, जैसे पेस्टल शेड वाले, वो भी हैं, लेवेंडर हो गया, पेस्टल ग्रीन ब्लू, ऐसे वाले। और ये पूरा का पूरा डिस्प्ले इन्होंने लगाया हुआ है अपने एडी के एयरिंग्स का। तो नीचे वाला 100 है, देखो 100 एडी लिखा हुआ है, जैसे देखो कोई टाइम लाइन हो। और ऊपर ये जो मैं आपको थोड़े से बड़े इयररिंग्स दिखा रही हूँ, ये सब के सब 200 रुपीज़ के हैं। तो बनता है यार यहाँ पे आना, ज़रूर बनता है। भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है, कलेक्शन प्राइजेस सब कुछ बहुत एवन है। मैं आपको एक बार धीरे धीरे सारे डिज़ाइंस दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पीस पसंद आया इसका स्क्रीनशॉट लेके आप भैया की शॉप पर जा सकें। वैसे तो इनका नंबर भी मैं लेकर आई हूँ, बट इनके पास में ऑनलाइन डिलीवरी का कोई टाइम नहीं है, तो जस्ट मैंने इनका नंबर दिया है ताकि आप मार्केट जाना चाहें, मार्केट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप भैया से ले सकें, खुली है नहीं खुली है आप फ़ोन करके जा सकें। तो ये ब्यूटीफुल सा जो एंकलेट आप देख रहे हो यार, ये मैंने परचेज़ किया, मेरा दिल आ गया इस पर, और ये काफ़ी खूबसूरत है। इसके पीछे जो आप देख रहे हो ऑक्सीडाइज्ड वाली भी आपको मिल जाएगी। ये था सब 100 का। तो शॉप नंबर है 86, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। भीड़ हमेशा ही यहाँ पे ऐसी रहती है, पर लोग आते जाते रहते हैं, तो भीड़ देख के कभी घबराना मत। नेक्स्ट मैं आ गई हूँ रूबिया बाज़ार वाली शॉप में। जब भी मैं जाती हूँ लाजपत नगर, इनकी शॉप ज़रूर कवर करती हूँ। इनका तो मुझे कार्ड ही इतना पसंद है यार, आई विश कभी मैं फ्यूचर में कोई बिज़नेस करूँ ना, मैं भी ऐसा हट के कार्ड बनाने की सोचूंगी कि कोई एक बार देख ले तो भूले ना ज़िंदगी भर। सो यहाँ पे भैया के पास में आपको मिलेंगे फैंसी ब्लाउजेज़, कस्टमाइजेशन भी होता है यहाँ पे, बट ऑलरेडी यहाँ पे ब्लाउजेस के आपको ऑप्शन इतने ज़बरदस्त मिलेंगे कि आप कस्टमाइजेशन भूल जाओगे। सो ये बीच वर्क वाले ब्लाउजेस मैंने आपको दिखा दिए, पर्ल्स वर्क है, कट दाने का वर्क है,
यहाँ से आप चाहें तो अपना सेट भी ले सकते हो बनवा के, ब्लाउज़ के साथ में लाइक आप स्कर्ट्स वगैरह फैंसी पेयर कर सकते हो। स्कर्ट्स का फैब्रिक आपको बनारसी भी मिलेगा, जॉर्जेट भी मिलेगा, शिफॉन भी मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हैवी मिरर वाला ब्लाउज़ है, ये भी ऐसी कुछ क्या बोलते हैं इसको, सितारे से लगे हुए हैं, कुछ अलग अलग कलर्स इसमें भी आपको मिल जाएंगे, रेट मैंने बता दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से सिंगल पीस ब्लाउज़ भी घर बैठे ले सकते हो। ओके, शिपिंग चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। और ये प्योर जॉर्जेट के फैब्रिक में है स्पेगेटी ब्लाउज़, इतना प्यारा कलर कंट्रास्ट है, मिठाई जैसा ब्लाउज़ लग रहा है मुझे। 2500 रुपये की रेंज का है और इसमें भी जो है बार्गेनिंग हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको स्लीव्स के साथ में चाहिए तो वो भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। वीडियो में आगे भी मैं आपको कुछ और नए नए डिज़ाइंस दिखाऊंगी ब्लाउज़ के। फ़िलहाल ये बनारसी ब्रोकेट वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कैसी भी बनारसी साड़ी हो ये ब्लाउज़ सब पर चलने वाला है। चाहे आप ग्रीन बनारसी पहनो, ब्लू पहनो, रेड पहनो, येलो पहनो, देखो सब पे चलेगा। अच्छा, भैया की शॉप से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे मुझे सेल देखने को मिली थी भाई कॉफ़ी मग्स की, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। जब भैया ने बोला 250 कुछ ऐसे ना, ऐसे अपने मन में बातें कर रहे थे तो ऐसे ही उन्होंने प्राइस भी बोल दिया 250 कुछ करके। मैंने कहा अच्छा 250 का, कह रहे 250 के 2। मैंने कहा भाई हुआ क्या है, लाजपत नगर और इतना सस्ता, ये अचानक हुआ कैसे? मतलब सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन लाजपत नगर और सस्ता हो गया। तो यहाँ पे 250 के 2 मग्स आप ले सकते हो। अभी ये कब तक इनका सेल चल रहा था, डिस्काउंट चल रहा था, मुझे नहीं पता, बट ये शॉप ना एग्जैक्टली आपको मिलती है चुनमुन स्टोर के सामने। ठीक है, अभी आपको मैं लोकेशन दिखा भी दूंगी। अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि इसमें कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है और उस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। डिज़ाइंस बहुत सारे हैं, पर इससे पहले कि भैया मुझे भगा देते हैं, मैं खुद ही उनकी शॉप से कल्टी हो गई हूँ। और इसके बाद यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। देखो जो बाहर का एरिया है ना, चुनमुन और लिबास वो वाला, जो स्टेला स्टोर्स के सामने वाला पूरा एरिया है, वहाँ पर भी पट्टी मार्केट नहीं लगा हुआ था। अदरवाइज़ वहाँ पे जेंट्स के टी शर्ट, बच्चों के कपड़े काफ़ी होते थे, वो भी नहीं लगा हुआ था। तो पटरी मार्केट सितंबर तक आप थोड़ा सा कम ही यहाँ पर देखोगे। चुनमुन के जस्ट सामने ही यहाँ पे एक कुर्तियों का कॉर्नर है, इनके पास में लोअर नहीं होता, सारा का सारा अपर है। कुर्तियों की जो स्टार्टिंग है यहाँ पर 350 रुपीज़ से हो जाती है। ठीक है, साइजेस मैं बताऊँ तो स्मॉल से लेकर के लाइक 5XL तक के साइजेस भी इनके पास में मिल जाएंगे। चुनमुन के बिल्कुल आगे है मैक्सिमम प्राइस, महंगी से महंगी कुर्ती भी यहाँ पर आपको 1250 रुपये की मिल जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दिखा देती हूँ। नीचे जो रखी हुई है ना, ये 350 रुपीज़ की रेंज में। ये लेवेंडर कितनी प्यारी लग रही है, मैंने एडिटिंग करते हुए ध्यान दिया, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत सुंदर है। अच्छा, एक फैंसी ड्रेसेस और सूट्स की शॉप ना मैं आपको वीडियो के एंड में भी दिखाने वाली हूँ, तो उसको भी बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ से भी आप ऑनलाइन ले सकते हो। भैया की शॉप चुनमुन के बिल्कुल आगे है। और हाँ, 30 रक्षाबंधन स्पेशल साड़ियों का ब्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है वो भी आप चेकआउट कीजिएगा। वो शॉप है चांदनी चौक में और वहाँ के रेट्स बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। ब्लॉग देखोगे मज़ा आ जाएगा। ऑलरेडी मेरी यूट्यूब फैमिली ने उस ब्लॉग को इतना प्यार दिया है, तो आप भी एक बार चेकआउट ज़रूर करना। अगर आपको सावन, तीज, रक्षाबंधन के लिए साड़ियाँ लेनी है ब्राइडल पर्पज़ से, वो सब वहाँ पर मिल जाएगी। सो इनके जस्ट बगल में ही यहाँ पर पैंट्स और प्लाजोज़ वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पे भी महंगे से महंगा 500 रुपये का ले सकते हो। चुनमुन के ही जस्ट सामने, जब मैं बाहर की तरफ ही आ गई हूँ ना, ये सारी दुकानें ना आसपास हैं। सो यहाँ पे भाई रेडी टू वेयर सूट्स मिल रहे थे, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन। आप चाहो तो सीधा इनके शॉप पर आ सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। अनारकली सूट्स भी है ऊपर, बट मुझे नीचे का कलेक्शन दिखाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये है प्योर कॉटन का सूट दुपट्टे के साथ में, प्राइस मैंने कोट कर दिया है। सूट भी डिज़ाइनर है, ऐसा वैसा नहीं है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट ऑर्गेन्जा में है, सॉफ्ट ऑर्गेन्जा में इसका दुपट्टा है, लेकिन जो सूट है वो मोडाल सिल्क में है। सो यहाँ पे कटवर्क का बहुत प्यारा डिज़ाइन है, रेट मैंने कोट कर दिया है। इसमें 3 से 4 आपको कलर मिल जाएंगे, एक लेवेंडर था, स्काई ब्लू है, पीच कलर है, रेडी टू वेयर सूट। और दूसरी तरफ यहाँ जो मैं दिखा रही हूँ ये है आपका कुर्ती और प्लाजो का सेट, तो देख के ही पता चल रहा है काफ़ी बड़ा साइज़ है। दुपट्टा तो कोई भी चल जाता है, वाइट एक आप बेसिक ले लो, सब पर चलता है। सो ये सेट ऑफ 2 है, ओनली 600 रुपीज़।
इसके बाद इसके मैं आपको कलर्स दिखा देती हूँ। अगर आप लोग ऐसा स्टफ ऑनलाइन ढूंढ रहे हो ना, तो वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी जगह कवर किया हुआ है दरियागंज मार्केट में। वहाँ पे मेरे बहुत सारे ट्रस्टेड शॉपकीपर्स हैं जिनसे मेरे सब्सक्राइबर्स आमतौर पर लेते रहते हैं, तो वहाँ से आप जो है रेडी टू वेयर की ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो ये भैया लोग नहीं देते। और ये सूट भी बहुत प्रिटी लग रहा था, इसमें मिरर लगे हुए हैं, 3-piece set है 700 rupees का। तो ये है चुनमुन, और चुनमुन के बिल्कुल सामने ये मैंने आपको शॉप दिखा दी है। इससे मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे मुझे 1-piece dress देखने को मिली, अगेन मॉनसून स्पेशल। और इसे ना आप सूट की तरह भी वेयर कर सकते हो, या फिर इसके साथ भी ऐसा वेस्टर्न की तरह वेयर कर लो, जैकेट पहन लो, कोई श्रग पहन लो, या स्नीकर्स के साथ में ऐसे ही हाफ स्लीव्स पहन लो। सो ये है रेंज 700 की, और इसके सारे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इतनी फुद्दू हूँ कि पर्पल कलर की वो कुर्ती मैंने छोड़ दी, मिरर लगा हुआ था। अब भी मैंने जब वीडियो में एडिटिंग करते हुए देखा है ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये इतनी प्रिटी है, मैंने क्यों नहीं ली। और यहाँ पे भी सेम ऐसी पर्पल कलर में, अगर आप देख रहे हो ये देखो इतनी प्यारी कुर्ती है, और ये भी मैंने छोड़ दिया, अब मुझे वीडियो में अच्छी लग रही है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं। सो ये सब 700 rupees की रेंज में है। इसमें साइजेस लाइक XXL तक का था, और ये भी जस्ट लिबास और W के सामने आपको मिल जाएगा। आगे मैं बढ़ी तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे मेंसवेयर कलेक्शन देखने को मिले मल्होत्रा गारमेंट में। और यहाँ से अगर किसी ने ऑलरेडी शॉपिंग की हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर शेयर करना होना, क्योंकि सावन और रक्षाबंधन तो भाइयों के लिए भी होता है, फादर्स के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट कुर्तीज़ हैं वो 350 से स्टार्टिंग है मेन में, और जो लॉन्ग है वो 650 rupees से स्टार्ट है। ठीक है, अंदर जाओगे ना, काफ़ी बड़ी सी शॉप है, ये तो बाहर का डिस्प्ले है। इनके पास में सीक्वेंस वाले कुर्ते, प्योर कॉटन के, खादी कॉटन के, सब कुछ मिल जाएगा। आपके घर में जो भी जेंट्स हैं, जिस भी तरीके का टेस्ट उनको पसंद है एथनिक में, वो सब यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे पटरी पर बड़ी मुश्किल से एक शॉप देखने को मिली कुर्तीज़ की। इनमें मीडियम से XXL तक के साइजेस थे, सेल प्राइस ओनली 300। तो भैया ने बोला लिमिटेड है, जब तक ये माल है तभी तक हम बेच रहे हैं। तो ये भी कभी कभी किसी भी शोरूम के आगे यहाँ पे होता ही रहता है। प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, और इनकी जो शॉप है सभ्यता के बिल्कुल पास में थी। तो जब भी आप ऐसे आर्टिकल लो, एक बार भैया से ज़रूर पूछ लेना कि भैया कलर तो नहीं निकलेगा। वैसे पूछ के भी क्या फ़ायदा, वो मुंह से थोड़ी बोलेंगे हाँ जी कलर निकलेगा, ऐसे तो कोई लेगा ही नहीं। पर इनकी ये पटरी शॉप मुझे सोनी सफायर के जस्ट आगे देखने को मिली। ग्रीन और पिंक का कंट्रास्ट आप देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा सा। सो ये है सभ्यता के जस्ट पास में। इसके बाद मैं आपको लेकर चल रही हूँ पांडे जी की दुकान में। ये हमारे पांडे भाई हैं, और इनका हेयर एक्सेसरीज़ का पूरा कलेक्शन बहुत अच्छा मुझे लगता है। नंबर मैंने इनका कोट कर दिया है यहाँ पे। पहले तो मैं आपको आर्टिफिशियल जूड़ा दिखा देती हूँ। हर कलर टोन में इनके पास में आर्टिफिशियल जूड़ा है, और थोड़ा सा ना सबके जो बालों का क्वालिटी है वो डिफरेंट है, तो इसलिए रेंज में आइए। कोई 150 का है, कोई 250 का है, कोई 300 का है, कोई 350 का है। ओके, डिज़ाइन ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, शेड्स आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, और इनके पास में ये कर्ल्स मिल जाते हैं। फिलहाल इन्होंने हैंगर में सिर्फ ब्राउन शेड लगा रखा था, इसमें अगर आप ब्लैक चाहो वो भी मिल जाएगा। एक कर्ल जो ये एक पीस आप देख रहे हो ना, ये 250 का, सारे नहीं। और ये आर्टिफिशियल बंस हैं, जो कि नारियल पानी वाले भैया आ गए, जो कि 150 rupees का आपको मिल जाएगा। सामने अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे आर्टिफिशियल हेयर मिल रहे हैं, हेयर एक्सटेंशन इसी को बोलते हैं आई गेस। सो ये 750 rupees की रेंज में है, और ये सारी लहराती जुल्फें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में। तो नंबर तो मैंने भैया का आपको दे दिया है, चाहो तो आप आने से पहले कॉल कर सकते हो, ऑनलाइन के लिए पूछ लेना अगर देते हो तो। शेड्स मैंने आपको एक बार पास से दिखा दिए हैं, अगर आपका शेड इन बालों से मैच कर रहा है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर और भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगे, नीचे 500 से लेकर के 3500 रुपये तक के एक्सटेंशंस हैं। पांडे भाई की दुकान जिस गली में है ना, स्टार्टिंग में उसी गली में आगे तक पूरा का पूरा ज्वेलरी का शॉप्स लगता था, बट अभी MCT की वजह से नहीं लगा हुआ था। लेकिन एक भैया जिनको मैं जानती हूँ, उनकी शॉप पर मैं पहुँची गई, इन्होंने बस थोड़ी सी ट्रे रखी हुई थी और उसी में अपना ज्वेलरी लगाया हुआ था। इनके रेट बहुत अच्छे हैं, इस पूरी लाइन में बहुत अच्छा ज्वेलरी कलेक्शन मिलता है। इनका जो लोकेशन है वो जस्ट मैं अभी आपको एक मिनट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ऐसा बाहुबली वाला एयरिंग मिल रहा था, चेन वाला, देन ऐसे आपको डैंगलर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको लेवेंडर नहीं चाहिए तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, और ये झुमकी मुझे बहुत सुंदर लगी। ये जितनी हैवी दिख रही है उतनी है नहीं, बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल साबुदाने का पापड़ होता है ना जैसे, उतना लाइट है। सो ये है 250 rupees की रेंज में। इनका तो मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन मैंने चांदनी चौक में
ब्राइडल, नॉन ब्राइडल और हर तरीके की ज्वेलरी कवर कर ली है, वहाँ से आप ज़रूर ऑनलाइन घर बैठे ख़रीदारी कर सकते हो। वहाँ पे जो ब्राइडल ज्वेलरी है ना वो रेंट पर भी मिल जाती है। अगर आपको साउथ इंडियन टच की ज्वेलरी चाहिए वो भी वहाँ पर मिल जाती है। तो उसका व्लॉग बहुत जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूँगी चांदनी चौक की शादी शॉपिंग के व्लॉग में, तो बने रहना। यहाँ पे सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे, चोकर्स वगैरह, एडी की रिंग्स मिल जाएंगी। भैया भी ना साउथ इंडियन ज्वेलरी, आर्ट ज्वेलरी सब तरीके की रखते हैं, बस इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ, वैसे ये सब कुछ लाते हैं। तो इनकी शॉप आप देख लीजिए, ये है रेमंड का स्टोर, यह रेमंड स्टोर, और रेमंड के ठीक सामने ये पांडे भैया हैं, और इसी पूरी सीधी गली में आपको ये पूरा ज्वेलरी का कलेक्शन देखने को मिलेगा। पांडे भैया के बगल में जो शॉप है वो है पूरे के पूरे फैमिली एथनिक वेयर की, और इनकी शॉप मैंने कई दफ़ा आपको दिखाई हुई है, दीप्ति क्रिएशंस नाम से इनकी शॉप है। 1 मंथ के बेबी से लेकर के यहाँ पर आपको एडल्ट्स के लिए भी एथनिक वेयर मिल जाता है, वो भी रेडी टू वेयर, और आप चाहें तो इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो डिज़ाइन पसंद आया वो पिंक में है और आपको ब्लू में करवाना है तो वो हो जाएगा। इनकी शॉप का कार्ड आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, यहाँ से आप ऑनलाइन भी ख़रीदारी कर सकते हैं। डिस्प्ले में ना यहाँ पर अभी सारी वैसे बेबी गर्ल्स की ड्रेसेज हैं, बट यहाँ पर आप बेबी बॉयज़ का भी ऐसे एथनिक वेयर और जेंट्स का भी इसी तरीके का एथनिक वेयर ले सकते हो। तो साइज़ यहाँ पर 1 मंथ के बेबी से लेकर के 18 ईयर तक का है। उसके बाद एडल्ट्स की बात आ जाए जो वोट देते हैं तो वो स्मॉल टू 5XL आपको मिल जाएंगे, मेल फीमेल बोथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो फैब्रिक है सारा का सारा कॉटन है, प्रिंटेड है और फास्ट कलर है, कुछ भी निकलने वाला नहीं है इसमें, और इतना प्यारा ना लेसेस और जरी का काम इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो रेमंड के जस्ट सामने इनकी भी जो शॉप है वो आपको मिल जाएगी। किसी भी शॉप पर अगर आप मंडे को जाओ ना तो जाने से पहले एक बार कॉल करके जाना, क्योंकि मंडे को यहाँ पर ऑफ रहती हैं कुछ शॉप्स। सिंधी ड्राई फ्रूट के जस्ट बगल वाली फुटवेयर शॉप पर मैं आ गई हूँ, इनके शॉप का कार्ड भी दिखाऊंगी। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी देंगे। इनकी शॉप का से जो बेस्ट पीस मुझे लगा वो ये पिंक वाला ही फुटवेयर था, उसने कहर ढा रखा था पूरे कलेक्शन पर भारी, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला जिसपे बो बना हुआ था, अरे यार ये वाला नहीं जो सैटन के बो वाला है वो वाला। सो यहाँ पे ना 36 से लेकर के 42 तक के साइजेस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भी वही सेम ज्वेलरी वाला हाल है भाई, हर एज ग्रुप के लिए फुटवेयर है। आप वर्किंग हो तो बेलीज मिल जाएंगी, आपको प्लेटफॉर्म हील चाहिए या पेंसिल हील चाहिए, फ्लैट्स चाहिए या डॉक्टर सोल वाला चाहिए, सब कुछ है। और सामने ऊपर से लेकर नीचे तक सारा बेलीज वाला कलेक्शन है, कैजुअल्स हैं। यहाँ पे ना मेरी कुर्ती का मैचिंग फुटवेयर मैंने देखा प्लेटफॉर्म हील के साथ में, सो ये इन्होंने मुझे 750 रुपीज़ का कोट किया था। ये कलर बहुत रेयर है फुटवेयर में मनना। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको ऑफिस के लिए बेलीज मिल जाएंगे, ऐसे फुटवेयर मिल जाएंगे। डिज़ाइंस आप देख सकते हो बहुत सुंदर है। अगर आप में से किसी ने इसे ऑनलाइन लिया हुआ है तो भी कमेंट करके बताना, या ऑफलाइन लिया है क्वालिटी कैसी निकली। अगर आप जानते हैं, यूज़ करते हैं, बहुत आपकी आजमाई हुई दुकान है तो कमेंट करना आपका फीडबैक। सिंधी ड्राई फ्रूट्स के बिल्कुल बगल वाली भैया की शॉप है, इनका कार्ड आपके साथ मैंने शेयर किया है, नहीं किया तो अभी कर दूँगी। इनसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, साइजेस मैंने आपको बता दिए, बट मेक श्योर कि आप जो भी लेना चाहें हर चीज़ उसके बारे में अच्छे से पूछ लें। सो फाइनली इसका प्राइस मैंने पूछा और यहाँ पे कोट भी कर दिया है। मुझे बचपन से ऐसी सैंडल्स बहुत प्यारी लगती हैं, मैंने आज तक नहीं पहनी और ना कभी पहनूंगी, बस ये डिस्प्ले में मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो इसके वाइट और ब्लैक वाला कलर जो मैंने दिखाया है ये 750 का है, रेट्स अच्छे हैं, जेन्युइन है। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल ही ब्रांड में जाना है तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल होते हैं लाजपत नगर में। सो ये इनकी शॉप का कार्ड है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सिंगल पीस भी आप ले सकते हो, शिपिंग के चार्जेस आप ही को देने रहते हैं। और सिंधी ड्राई फ्रूट्स के साथ में जो ये एक शॉप मैंने दिखाई ना, आगे तक 3-4 फुटवेयर की शॉप्स और हैं, तो अभी पूरा वो फुटवेयर का ही वीडियो बन जाता है इसलिए मैंने ज़्यादा उनको कवर नहीं किया। आप आइए और ट्राई कीजिए। इसके बाद एक पेट शॉप लाजपत नगर की, जहाँ पर आपको साल के 365 दिन नाइट सूट्स ही मिलेंगे, विंटर में विंटर वाले, समर्स में समर कूल फैब्रिक। तो यहाँ पे सेल है 600 रुपीज़ का, फ्री साइज़ होता है और प्रिंट्स आप अपने मर्जी मुताबिक ले सकते हो। पीछे यहाँ पर क्या लगा हुआ था, ऐसा काफ्तान टाइप का सेट लगा हुआ था, नाइट सूट ही लिखा है इन्होंने, वैसे 600 रुपीज़ का है। और इनके बगल में भी कुर्तीज़ मिलती है, मैं ज़्यादा कुर्ती दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे ना एक ईटिंग पॉइंट है, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, कोई बोर्ड भी नहीं लगा था, उसके बिल्कुल पास में इनकी शॉप है। तो भैया ने बोला कि इनसे ज़्यादा सियाराम के छोले भटूरे या क्या चीज़ है वो फेमस है यहाँ पे, उसके बहुत व्लॉग्स बनते हैं, वो वाला लोकेशन बताओ। तो भाई समझ जाना आपके एरिया में जो सियाराम जी हैं, जो भी ये लोग खाने का बेचते हैं, तो उसके बिल्कुल पास में भैया का ये नाइट सूट्स वाला रैक आपको मिल जाएगा। सियाराम के छोले भटूरे हैं या
बड़ा पाव है, पता नहीं क्या उन्होंने बोला था। सो ये ऑल साइजेस अवेलेबल है। नाइट सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगा, ये वाला नाइट सूट पहन लो, और अभी जो मैंने पिंक कलर की आपको सैंडल दिखाई थी वो पहन लो, बस गुड टू गो। अच्छा, इसके बाद में फिर से यहाँ पर आपको मॉनसून स्पेशल ड्रेस मैं दिखा रही हूँ, वन पीस, बहुत अच्छा कॉटन, कॉटन के साथ में एक कुछ मटेरियल मिक्स आता है जो जिसकी वजह से इसका टेक्स्चर कपड़े का थोड़ा चेंज हो जाता है। आप चाहो जूम करके देख लेना, उस फैब्रिक में ये ड्रेस बनाया गया है, बहुत अच्छा फ्लोई फैब्रिक है, प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो ब्लैक एंड वाइट था, अभी जो मैंने आपको दिखाया दूसरे तीसरे नंबर पे। सो रेंज काफ़ी जायज़ है, 650 रुपीज़ की रेंज में है, और इसके साथ में जो शॉर्ट ड्रेस है ये भी 650 रुपीज़ का है, थोड़ा सा ए लाइन में है, बट जो प्लस साइज़ के लोग हैं उनको भी आ जाएगा, डबल एक्सल तक तो आ ही जाएगा। तो इनकी भी आप लोकेशन देख लो, क्योंकि बिना लोकेशन के मज़ा नहीं आता। वो जो सियाराम फूड पॉइंट जो भी है, वो जो मैंने आपको बताया, उनके ठीक सामने यहाँ पे अप्सरा एक्सक्लूसिव है, तो वहीं पर आपको ये मॉनसून वाली ड्रेसेस मिल जाएंगी, ठीक है। और इनका कलेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन ऐसे ही कुछ आपको बजट फ्रेंडली रेट में मिल जाएगा। अब जो मैं आपको ब्लाउज़ की शॉप दिखा रही हूँ ना, इनकी भाई लोकेशन चेंज हो चुकी है, मे बी आप लोग अपडेटेड हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो लिबास के सामने वाली लेन है वहाँ पे एक गोलगप्पे की शॉप आती है, और उसी गोलगप्पे के आसपास एक ब्लाउज़ वाली दीदी होती थी, तो उन दीदी की शॉप पर मैं आ गई हूँ। ये कलेक्शन और इनके जो रेट हैं मुझे काफ़ी ठीक लगते हैं, बार्गेनिंग भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। जो ऊपर की रेंज है ये 1550 रुपीज़ की है, नीचे जो स्लीव्स के साथ में आप पीसेस देख रहे हैं ये 1650 रुपए की रेंज में रहेंगे। देन इनके पास में लॉन्जरी का भी बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, अभी आप इनका फेस देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। उधर तक इनके पास में ना बहुत सारे ब्लाउज़ कलेक्शन रहते हैं, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। ये दूसरी तरफ इनका लॉन्जरी सेक्शन है, सभी तरीके के साइजेस और क्वालिटी मिल जाएगा। सामने जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा स्टाइल के ब्लाउजेस से, वो तलातुम वाले बीट्स वर्क के साथ में ये मैंने कोट कर दिया। अब बताओ इनका फेस आपने पहचाना कि नहीं पहचाना, लाजपत नगर में ऑलरेडी बहुत फेमस हैं अपने ब्लाउजेस के कलेक्शन की वजह से। इसके बाद जो मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता रही थी, फीडिंग मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो मैं ड्रेस दिखाऊंगी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बटन है इसमें, काफ़ी बड़ा साइज़ है, रेट भी मैंने कोट कर दिए हैं, अभी मैं आपको इनकी लोकेशन भी बता दूंगी। सिटी की वजह से इन्होंने भी ना सारा ऊपर ऊपर कलेक्शन लगाया हुआ है, और डिस्प्ले कम था लेकिन बहुत अच्छा था। इनके पास में भी दूसरी तरफ, पहले तो मुझे लगा लॉन्जरी है, बट आई गेस ये सब मेन टॉप से है ना, मतलब ऊपर ही पहने जाने वाले, तो ये ऐसा स्पेगेटी वाला टॉप आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्रोशिया वाले टॉप्स हैं, आजकल काफ़ी चल रहे हैं मार्केट में, ऑनलाइन तो महंगा ही मिलता है, बट यहाँ पे आप बार्गेनिंग भी करवा सकते हो, और प्राइजेस वैसे भी काफ़ी जेनवन मुझे लगे। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक पिंक, ये 450 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाएगा। स्कर्ट्स, मिनीस, ट्राउजर्स, प्लाजो किसी के साथ में भी पहनो, इट लुक्स गुड, बस आपका जो फिगर है थोड़ा सा शेप में होना चाहिए, और ये 450 रुपीज़ की रेंज में है। फिगर में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो कलेक्शन है ना ये प्लस के साइजेस में थी नहीं, तो अगर आप कॉलेज गोइंग हो, टीनेज हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। मैं बड़ी देर तक इनकी शॉप पे रुकी इनकी शॉप का कार्ड लेने के लिए, पर भैया इधर उधर घूम घाम के वापस आ गए, मिल नहीं रहा एंड ऑल जो भी है, तो भाई इनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे नहीं मिला। माई फैब है, उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर भैया की शॉप आपको मिल जाएगी, देखो कॉर्नर में है, माई फैब के बिल्कुल पास में। और नेक्स्ट अब जो मैं शॉप आपको दिखा रही हूँ ये यूनिक फैब के नाम से है, यहाँ पर सूट्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है, और जो रेडी टू वेयर एथनिक वेयर है वो भी कमाल के हैं। तो इनसे भी अगर आपने कोई ख़रीदारी की हो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। रेडी टू वेयर के साथ साथ यहाँ पे ना अनस्टिच्ड सूट के फैब्रिक भी मिल जाते हैं। अब मुझे कमेंट करके एक चीज़ और बताइए, आप लोग बहुत डिमांड करते हो अमर कॉलोनी सूट्स की दिखाने की, तो लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट और अमर कॉलोनी में कितना डिस्टेंस है, कैसे मैं वहाँ जा सकती हूँ, नियरेस्ट मेट्रो कौन सा रहेगा, ऐसा थोड़ा सा मुझे बेसिक गाइड कर दोगे तो बहुत हेल्प रहेगी। यहाँ ना भैया के पास में जैसे सामने ड्रेस मैंने आपको दिखाई, ये भी प्योर की है भैया, इंडो वेस्टर्न क्या बोलते थे इसे, पेपलम ना, पेपलम स्टाइल की ड्रेस रहेगा। स्क्रीनशॉट आप इनकी शॉप का ले सकते हो, और यहाँ से भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। भैया का ना काउंटर पर एक सूट रखा हुआ था, ये मैंने ओपन नहीं करवाया है, बट ये बहुत अच्छा मुझे लगा, प्योर कोटा डोरिया का सूट है, कोटा डोरिया का ही साथ में आपको दुपट्टा मिलेगा, एंड जस्ट
इसका एम्ब्रॉयडरी देखो, फिनिशिंग देखो, बहुत अच्छी है. कलर इज़ ऑल्सो टू गुड. सो रेंज वाइज भी मुझे अच्छा लगा, 1500 रुपीज़ इन्होंने मुझे कोट किया था. और इनकी शॉप के बाहर भी ना एक टेबल लगता है, वहाँ पे और भी कम रेंज के 600-700 के सूट्स आपको मिल जाते हैं. आई टोल्ड यू MCT की वजह से लग नहीं रहा था, तो थोड़ा सा कम डिस्प्ले था बाहर, अंदर इनके पास में फुल आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा. तो इनसे भी आप ट्राई कर सकते हो. और शॉपिंग करते करते, अच्छा नरगिस है, नरगिस के बिल्कुल पास में ये यूनिक फैशन है. और शॉपिंग करते करते अगर आपको भूख लगे तो सामने आदू फूड सेंटर है, इसमें एल साइलेंट है, ठीक है. तो ये आदू भी नहीं, अड्डू है, ये अड्डू फूड कोर्ट, लड्डू फूड कोर्ट है. तो यहाँ पे आप जा सकते हो, पास में ही है. तो देखो परमानेंट शॉप्स. अब देखो सरदार जी की, सिमरन ब्लाउज वाले भैया की शॉप में आपको कितने धूमधाम से दिखाती हूँ ना, पर भैया ने भी पूरा अंदर तक समेट रखा था MCT की वजह से. जब मेरा निकलने का टाइम हो रहा था तब मार्केट वापस से लगनी शुरू हो रही थी. ये ब्लाउजेस मैंने आपको दिखा दिए, 1200 समथिंग की रेंज है. और फिर बाहर जब मैं पुष्पा मार्केट का हाल देखने गई तो पुष्पा मार्केट पुष्पा जैसी हो रखी है. मतलब सब कुछ शॉप के अंदर ही है, बाहर पटरी पर कुछ भी नहीं था, इतू सा भी डिस्प्ले नहीं था. यहाँ पे बहुत मेहनत करके हिम्मत के साथ में एक अंकल जी ने ज्वेलरी लगा रखी थी. वैसे भी स्टैंड पर है, वो कभी भी लेके यहाँ से जा सकते हैं. और आगे एक फुटवेयर का मुझे स्टॉल देखने को मिला. इतना अच्छा फुटवेयर कलेक्शन अंदर मार्केट में क्यों नहीं था. तो नीचे जितने भी फ्लैट्स आप देख रहे हो 350 रुपीज़ की रेंज में, फुटवेयर फ्लैट्स में. और ऊपर जो आप देख रहे हो ये कैजुअल्स में है, 450 रुपीज़ का. बहुत हटके कलेक्शन है भैया का. इस व्लॉग में ऑलरेडी मैंने आपको कितनी सारी लॉन्ग ड्रेसेस और वन पीस ड्रेसेस दिखा दी हैं, तो उनके साथ में पेयर करने के लिए ये कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है. इनमें जो सबसे अट्रैक्टिव मुझे लगा वो मैंने आपको बताया, पिंक और येलो है. मैक्सिमम यहाँ पे 600 रुपीज़ तक के फुटवेयर मिल जाएंगे. इनकी ना अंदर भी जाके कोई शॉप है तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे अलग अलग रेट्स आपको देखने को मिलेंगे. और अदरवाइज आप ब्रांड्स में जाना चाहते हो तो लाजपत नगर में बहुत सारे स्टोर्स भी आपको मिल जाएंगे. साइजेस का मुझे कंफर्म नहीं है, बट इनकी जो शॉप है भाई पुष्पाले इनमें है, तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस कि ये MCT वालों की वजह से ना हट जाए. कलेक्शन बहुत अच्छा है. सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना. कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपनी तरफ से दे दिए हैं, जब भी जाओ जाने से पहले कॉल कर लेना. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय.